मालिकों की डांडी में है और यहाँ हर मंगलवार को हनुमान जी के दरबार में भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा होता है। और गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मारवाड़ी राइडर। आज फिलहाल हम जा रहे हैं सिंपल सी एक छोटी सी राइड करने के लिए, बट इधर धूप है यार, मेरा चेहरा साफ नहीं दिखता होगा। सो ये हमारी गाड़ी लग्जरी, इसकी सफाई, इसकी भी सफाई। नहीं मिल रहा और ये भूल चुके हैं कि कहाँ जाने हैं और हमें भी नहीं पता कहाँ जाने। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं गाइस ये हमारे राजस्थान वालों की कारीगरी देख सकते हो आप। अपनी वॉइस को थोड़ा फास्ट कर देंगे तो गाइस आप देख सकते हो लोकेशन कितनी अच्छी लोकेशन है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, धूप में हमारे ऊपर नीचे सभी जगह पेड़ ही पेड़ है। बट इधर भाई ब्लॉगिंग कर रहा है तो उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, सो हम चलते हैं थोड़ी दूसरी साइड। आने के बाद हम बड़ी मुश्किल से मंदिर के पास और चलते हैं फिलहाल मंदिर के अंदर। तो सर सो गाइस आ चुके हम ओम मंदिर। इस मंदिर का नाम ओम मंदिर बताया जा रहा है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये वो मंदिर है, तो चलिए दोस्तों इसकी वीडियो अंदर की दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लोकेशन है, सो देख सकते हो, आपको कुछ डायनेमिक शॉट लेकर दिखाता हूँ आपको। ओके गाइज तो देखना आप। श्री श्याम बाबा का मंदिर है, सो क्या मस्त लोकेशन है, आकर दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। तो इतनी अच्छी लोकेशन तो फर्स्ट बार देखी है मैंने। मेरे पीछे देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है, बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है, अच्छा मंदिर है। तो अच्छा चलते हैं अपन मंदिर के अंदर। ओके गाइस आप देख लीजिए कुछ डायनेमिक। मंदिर के अंदर और अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। सो गाइस अपन चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। फाइनली मंदिर के अंदर, मंदिर का अंदर का नज़ारा बहुत ही देखने लायक है। सो आप देख सकते हो मंदिर, बट गाइस ऊपर से देखो आप इसका क्या सीन है। तो अपन लेके दिखाते हैं अब मंदिर के अंदर का डायनेमिक शॉट। ओके गाइस मंदिर के अंदर का जो दिखाता हूँ कुछ ऐसा सीन है, सो चलते हैं मंदिर के अंदर। मालिकों की डांडी में है और यहाँ हर मंगलवार को हनुमान जी के दरबार में भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा होता है। और कृष्ण जन्म में बड़ा भारी उत्सव किया जाता है और हर आठ दिन से भागवत भंडारा कीर्तन भजन प्रसाद वितरण होता रहता है। और हमारे बहुत से भक्त आते हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और हम लोग अयोध्या से यहाँ पधारे हैं, 7 वर्ष हो गया भगवान की सेवा करते और बड़ा आनंद मिल रहा है। और ऐसा ही प्रेम हम लोगों के दिल में उत्पन्न हो कि भगवान का दर्शन करें, जो हम आनंद लें। धन्यवाद।
दोस्तों देखा आपने, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अयोध्या गया है और 7 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे, कृष्ण जी की अच्छी सेवा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साथ ही साथ ये मनोकामना पूर्ण मंदिर भी है। तो यहाँ पे दो भाई लोग और बैठे हैं, इनका भी इंटरव्यू लेते हैं। सो गाइस अपन चल रहे हैं मंदिर के ऊपर की साइड, बट जस्ट बहुत ऊपर। सो गाइस कुछ नीचे से ऐसे दिखता है। सो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं द मंदिर के ऊपर एंड तक। सो कुछ ऐसा नजारा है मंदिर के ऊपर का। सो कुछ डायनेमिक शॉट लेकर दिखाते हैं आपको। लोग जा रहे हैं मंदिर के आगे। सो कुछ ऐसा सीन है हमारे गेट में जाऊं मैं। सो गाइस मुझे डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट पहुंच गए हम। सो कुछ ऐसा सीन है डर। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, बट वीडियो अच्छा लगे ना तो यार थोड़ा सा एक अच्छा सा कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बट हम आपके हम करते हैं वीडियो को द एंड, ब्लॉग को द एंड, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एंड जिसको वीडियो अच्छा लगे तो सो गाइज एंड मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बट बहुत मन में इच्छा होती है सो गाइज एक व्यू आ गया हमारा और चलो और वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाऊँगा आप लोगों के लिए ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग करता रहूँगा, और ऐसे ही आप मेरे ऊपर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। ओके गाइज अब हम ब्लॉग को करते हैं बाय बाय द एंड। सो गाइज ये जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था ना उसी के माता पिता के लोगों की यहाँ पर तस्वीरें बनी है, देख सकते हो ये बटिन के पापा मम्मी जिसने ये मंदिर का निर्माण करवाया ना। सो गाइज अपने यहाँ पर कुछ अपनी बिरादरी के कुछ भाई लोग मिल गए हैं, इनसे कुछ बातें कर रहे हैं, आपको ये क्लिप भी दे देंगे ब्लॉग में। और भाई लोगों सभी का आशीर्वाद है, बस फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, हमारे भाई लोग हमारे साथ रहेंगे और हमारा साथ है बस, और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को। मेरे भाई लोग जो वीडियो चढ़ाते हैं आप इनका मदद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी बढ़ाइए। धन्यवाद।